कृषि कानून पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर सियासत भारी है। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। अब राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो लोकसभा की कार्रवाई के दौरान का है। इस वीडियो में राहुल वही बात कर रहे हैं जो बात कृषि कानून को लेकर सरकार कर रही है। जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। अपने इसी बयान से फंस गए हैं राहुल गांधी। इसी बयान ने बीजेपी को दिया है मौका कि वो घेर ले राहुल गांधी। इसी बयान ने मोदी सरकार को दे दिया है वो चांस कि वो साबित कर दे कि कृषि कानून पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। एक बार फिर राहुल का बयान सुनिए, फिर मजमून समझाएंगे। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें एक आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। दरअसल राहुल गांधी 2015 में अमेठी में बनने वाले फूड पार्क की वकालत कर रहे थे। वो इस पक्ष में थे कि किसान अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच ले। वो कह रहे थे कि किसान चाहते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाए ताकि किसान को सीधा फायदा पहुंचे। लेकिन तब राहुल ने ये नहीं सोचा होगा कि 2015 का उनका ये बयान 2020 के अंतिम दिनों में उनके लिए चक्रव्यूह बना देगा। लिहाजा घेर लिया बीजेपी ने। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। कांग्रेस इसलिए भी घिर गई है क्योंकि 2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि के कॉलम में 11वें नंबर पर कांग्रेस ने वादा किया था कि कांग्रेस एपीएमसी एक्ट को खत्म करके ऐसी सुविधा देगी कि किसान अपनी फसल जिसे चाहे जहां चाहे बेच सकता है। यानी कांग्रेस चाहती थी कि वो मंडियों को खत्म कर दे और किसान अपने मन से जहां चाहे वहां अपनी फसलें बेचे। लेकिन यहां सरकार कह रही है कृषि कानून से एपीएमसी खत्म नहीं होगी, कृषि कानून से एमएसपी भी खत्म नहीं होगी और कांग्रेस बेवजह नाजायज विरोध करके किसानों को भ्रमित कर रही है। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो। और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी विपक्ष पर यही आरोप लगाया था कि पहले समर्थन करते थे तो अब विरोध किस बात का। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती, देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ ना कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। राहुल गांधी के पुराने बयान से कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। बावजूद इसके राहुल गांधी किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि किसान टस से मस न हो। उन्होंने लिखा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भभकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। राहुल किसानों के हितैषी होने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, मगर उनके पुराने वादे और उनके पुराने बयानों ने
पूरे दल को बैकफुट पर ला दिया है। आज तक ब्यूरो।